मेरे भाइयों, आज मैं वीडियो इस टॉपिक पर लाया हूं कि अंगूर की खेती कैसे की जाती है। आप सबसे पहले अंगूर लगाने वाले खेती का चयन कर लें, लेकिन उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। बरसात का पानी निकलने के लिए आप एक तरफ ढलान करके खेती बनाएंगे तो पानी निकलने की सुविधा होगी, और थोड़ा ढलान वाली खेती का चयन करेंगे तो ऐसी खेती बेटर मानी जाती है। दूसरी बात, आपको अंगूर लगाते समय कुछ बातों का बहुत खास ध्यान रखना होगा। नंबर वन, 9x4 की बाग लगाएं। आप वीडियो में देख सकते हैं, इस झाड़ से उस झाड़ तक 4 फुट का अंतर रखकर झाड़ लगाना होगा। आप देखिए, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 9 फुट रखकर झाड़ लगाना होगा, तभी आप मिनी ट्रैक्टर इन लाइनों के बीच आसानी से चला सकते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यह ट्रैक्टर आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ट्रैक्टर में देख सकते हैं, इसमें डाई, पोटास, यूरिया, DAP, एरिया एजेंसी माइक्रो न्यूटन्स की डिफिशेंसी के हिसाब से एक खत डाल रहे हैं। इसी प्रकार से आपको भी अपने एरिया माइक्रो न्यूटन्स की डिफिशेंसी के हिसाब से खत डालना पड़ेगा। तीसरी बात का ध्यान यह रखें कि जो तार लगाने के लिए बीच में एंगल लगाते हैं, आप कंक्रीट का खंभा यानी डाम भी लगा सकते हैं। लॉन्ग लाइफ के लिए खंभा ही मजबूत तथा बेटर पड़ता है। खंभा की लंबाई 7 फुट का खंभा यानी डाम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 फुट आपको नीचे ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा। खंभों यानी डाम की दूरी लगभग 20 फुट पर आपको गाड़ना है, और एंगल लगाने से जंग लगने का भी डर रहता है। इसी खंभों पर वाई आकार का एक एंगल लगाया जाता है। इन्हीं वाई पर एक तार सेंटर में तथा 5-5 तार दोनों बाजू लगाए जाते हैं, जिस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको चौथी बात का उचित ध्यान रखना होगा, दोनों बाजू जहाँ पर लाइन का अंत होता है, आपको मिनी ट्रैक्टर घूमने के लिए 17 फुट जगह दोनों बाजू छोड़ना होगा, क्योंकि लास्ट में तार को टाइट रखने के लिए अंत में 5 फुट की जो खूंटी गाड़ते हैं टाइट करने हेतु, 17 फुट में से 5 फुट तार की लंबाई माइनस करने के बाद आपको 12 फुट ही जगह दोनों बाजू में मिनी ट्रैक्टर घूमने के लिए शेष रह जाता। आप अपने खेत में अंगूर के झाड़ लगाने से पहले मेन पाइपलाइन 2.5 इंच या 2 इंच पानी की आवश्यकता के अनुसार कनेक्शन पहले कर लें। ड्रिप का कनेक्शन भी पाइपलाइन में से निकाल लें, ताकि अंगूर लगाने के बाद आपको ड्रिप बिछाने में दिक्कत ना हो। आप अंगूर लगाने के बाद पाइपलाइन की खुदाई नहीं कर सकते हैं, यह ध्यान दें। आप किसी भी जानकार शेतकरी से पाइपलाइन करवा सकते हैं यदि आपको जानकारी नहीं है तो, लेकिन आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है होगा कि पेड़ लगाने से पहले पाइपलाइन 2.5 से 2 इंच करवा लें। हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, देसी खत डालकर ही पेड़ लगाएं। अब हम पेड़ लगाने के बाद आपको ड्रिप द्वारा पानी तुरंत छोड़ना है। 1 से 2 घंटा पानी ड्रिप लाइन से छोड़ें, ताकि झाड़ को 1 लीटर से 2 लीटर तक पानी मिल जाए। थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो जिस समय हम नए झाड़ लगाते हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जब आपके झाड़ लग जाए तो आपको झाड़ के साथ वाली कांटी, मतलब जो बाम्बू की कांटी लगाई रहती है, आप उसको चेंज कर दीजिए 8 से 10 दिन के बाद। 7 फुट से 8 फुट की कांटी लगाना है आपको, और दूसरे दिन रूट बढ़ने वाली औसत ड्रिप के जरिए छोड़ना है। अंगूर के पत्ते सिकुड़ रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो आपको क्लोरोसिस आयरन डिफिशेंसी होने के कारण होता है। आप दवा बाजार से लाकर डाल सकते हैं, या नए हैं तो आपको एक मास्टर रखना होगा। आप अपने मास्टर से सलाह लेकर ही दवा, लिक्विड,
का छिड़काव करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। अब हम इसकी रीकटिंग कैसे करें। समझो अक्टूबर में आपने अंगूर के पेड़ लगाया है, तो हमें इसे जनवरी महीने में हमें रीकटिंग कर लेना चाहिए। समझिए दोस्तों मेरे, जब हम नए झाड़ की पहली बार जब हम उसकी रीकटिंग कर रहे हैं, तो झाड़ को नीचे से 2 फुट के ऊपर से हम रीकटिंग करेंगे और झाड़ हम देखेंगे जहाँ तक वो पक गया रहेगा। मतलब पकने की उसकी पहचान कैसे है कि वो झाड़ जो होता है वो ब्राउन कलर में हो जाता है, जहाँ पे हरा रहता है हम हरा जिस जगह से रहता है उस जगह से काट देते हैं। कटिंग करने के बाद में जर्मिनेटर बूस्टर डोरेमेक्स सिलिक्स, या आप ऐसा समझ लो हाइड्रोजन साइनामाइक बूस्टर कलर लगा देते हैं। हमने अक्टूबर महीने में बाग लगाया है, तो अक्टूबर महीने में ही बाग पकड़ सकते हैं। दोबारा हम अक्टूबर महीने में ही छटाई बाग की फल लेने के लिए कर सकते हैं, यानी मतलब 1 साल में ही फल पकड़ने योग्य बाग तैयार होती है। बाग पकड़ने से पहले हम कट्टा ट्रैक्टर से इस प्रकार बना लेंगे, जो उसमें खाद पास डाले हुए हैं ताकि पानी सैलरी खद बहकर नीचे ना जाए। जिस प्रकार से वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने यंत्रों तक की भी पूजा करते हैं। सिंदूर गुलाल अबीर लगा करके नारियल तोड़ने की प्रथा है। जब हम दूसरी बार फल पकड़ने के लिए बाग की छटाई करेंगे, तब हम थोड़ा हल्का मीडियम टाइप में इत्रैल का छिड़काव कर लेंगे ताकि वो पत्ते पीले पड़ जाएं। 4 से 5 दिन के बाद में हम फिर बाग की छटाई करना स्टार्ट कर देंगे। पत्ते पहले हम पत्तों को झाड़ लेंगे। पत्तों को झाड़ने के बाद में जिससे हमें बाग की छटाई करने में आसानी पड़ेगी, तो हम इस प्रकार से काड़ी को ऐसा गिन लेंगे। 9 काड़ी पर से कटिंग करते हैं। 9 काड़ी के अंदर तक फांदी हरी है तो 9 के अंदर से भी कटिंग कर सकते हैं, या 9 के आगे भी कटिंग कर सकते हैं। उचित कटिंग 9 आँख तक ही ठीक रहता है। कटिंग करने के बाद जर्मिनेटर बूस्टर डोरेमेक्स सिलिक्स, या आप ऐसा समझ लो हाइड्रोजन साइनामाइड बूस्टर कलर का हम घोल बना लेंगे, और घोल बनाने के बाद उनके फांदियों में डालियां टहनियां, या आप ऐसा समझ लीजिए कि जो उनकी काड़ियां रहती हैं, हम उनमें इस प्रकार से कलर को लगा देंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यह कलर लगाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको भी लगा लेना है। और दवा जहां पर ना लगी हो आप ट्रैक्टर से भी छिड़काव 2 दिन के बाद कर सकते हैं। और आप वीडियो में देख सकते हैं 14 दिन के बाद उसमें से कल्ला लेकर डालियां निकलने को लग जाती हैं, और 30 दिन के अंदर में घड़ मतलब अंगूर के फूल लग कर उनमें अंगूर के दाने बैठने लगते हैं। आपकी बाग सेटिंग होने लगती है, लेकिन आपको उसमें बाजपन की जो फांदियां होती हैं, बाजपन मतलब जो डालियों में उनमें फल फूल घड़ आदि कुछ भी नहीं लगते हैं, वैसी डालियों को छटनी करके उनमें से निकाल दिया जाता है। आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि अंगूर की थीनिंग कैसे की जाती है। आप देख रहे होंगे कैंची से यह थीनिंग करते हुए वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप यदि अंगूर लगाते हैं तो आपको भी थीनिंग करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप थीनिंग नहीं करते हैं तो आपके अंगूर का जो साइज है वह बराबर से साइज उसका नहीं आएगा। आपके जो फल हैं वो पॉइंट में नहीं दिखेंगे। आपका कम से कम 16 से 17 mm पॉइंट में द्राक्षी होना चाहिए, और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा
लंबा थिनिंग करते समय में घर को मत रखिए। जो आपका अंगूर का गुच्छा है उसे हम घर कहते हैं, आपको यह बता रहे हैं, तो उसकी लंबाई ज़्यादा मत रखिए। और उसको जितना आप बिडर मतलब जितना आप उसको खाली खाली रखेंगे उतना अंगूर को बढ़ने में मदद मिलेगी। इस प्रकार से ज़्यादा आप खाली रखने की कोशिश करें। रोग के बारे में जैसे इसमें दौनिया, मिलीबाग, करपा और बुरसी जैसे इसमें द्राक्षी में रोग पाए जाते हैं। दोस्तों अंगूर की खेती में जो है ट्रैक्टर ब्लेयर से फार्मिंग कैसे करते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको डिटेल में जितना भी समझाता जाऊंगा उतना वीडियो लंबा होता जाएगा। मैं वीडियो ज़्यादा दोस्तों लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों देखिए आपको मैं इसी बाग का ये रियल वीडियो दिखा रहा हूँ जिस बाग का मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको डाम भी दिखाई दे रहा है और यह देखिए फल जो है अब बाज़ार में जाने के लिए यह तैयार हो गया है। यह बाग को यह कहते हैं कि 4 महीने में बाग तैयार हो जाता है। आप 4 से 4.5 महीने तक बाग में फल रोक सकते हैं। आप इससे ज़्यादा फल बाग में रोक नहीं सकते हैं, नहीं तो बाग में ऐसा लूढ़ू पड़ते हैं। और आप देखिए इसमें जैसे वेरिएशन का माल है, ये वेरिएशन का माल भी निकालना पड़ता है। इस तरफ का माल बाग में नहीं रखना चाहिए। और हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यह कैसा पॉइंट का माल हो गया है। ये पॉइंट में माल है और आप देख सकते हैं यह बाग काफ़ी लंबा हुआ है। एक लाइन में कम से कम 100 पेड़ लगाए गए हैं। यह कम से कम 1050 झाड़ों की बाग है। इस सोगाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसा यह फार्मिंग वीडियो लाता रहूं। जय जवान जय किसान।